किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। ये हमने 500 ग्राम कटहल लिया है, इसको हमने धो छोटे छोटे टुकड़े में काट के धो लिया है। अब इसको हम तलने के लिए डालते हैं। कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें कटहल डाल देते हैं। हम इसको चला देते हैं, फ्लेम को थोड़ा तेज कर देते हैं। जब तक ये लाल नहीं हो जाता है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम तलने देंगे। इसीलिए अच्छे से मिला देते हैं। जब तक मेरा कटहल तल रहा है, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में हम 3 मीडियम साइज के प्याज डाल रहे हैं और ये कुछ अदरक के टुकड़े हैं, 10-12 कलियां लहसुन की हैं और ये 2 हरे मिर्च हैं। इसका हमने पेस्ट बना के रख लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हम मिला देते हैं। हमारा मसाला फूलने के लिए हम रख देते हैं और कटहल को चेक कर लेते हैं। कटहल मिला गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे हम निकाल देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं, इसे हम निकाल देते हैं। अब हम कुछ डालते हैं खड़े मसाले। 3 लौंग हैं, 1/2 चम्मच जीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची जिसका हमने मुंह खोल दिया है, 8-9 काली मिर्च है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। दो अच्छे से भून लेते हैं और हम ये ग्रेवी डाल देते हैं। कटहल है, कटहल हमारा तला हुआ है, आधा पका हुआ है, इसलिए मसाले हमें खूब अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा भून गया, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला मिक्स कर देते हैं। अब हम डाल देते हैं ये कटहल इसमें। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तल के कटहल बनाने से बहुत टेस्टी बनता है। कटहल हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। जिस कटोरी में हमने मसाले लिए थे, उसी कटोरी से हम पानी डाल देंगे। मसाले लगे थे कुछ इसमें, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं नमक, स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। टमाटर नहीं डाल रहे हैं हम, बिना टमाटर के बना रहे हैं। आप भी बनाना, अच्छा बनेगा मेरे तरीके से। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। कुकर बंद कर देते हैं और इसमें 2 सीटी आने तक वेट करते हैं। गैस को हम फ्लेम धीमी कर देते हैं, बीच की आंच में कर देते हैं और सीटी खत्म होने तक इंतजार करते हैं।
प्रेशर खत्म हो गया है, अभी 2 सेकंड इसको नहीं खोलते हैं। ऊपर खोल के देखते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। हरी धनिया डाल देते हैं इसमें। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।